शासन प्रशासन द्वारा कोरोना से बचाव हेतु पूरे प्रदेश में टीकाकरण अभियान जारी है, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि आज मेडिकल कॉलेज सिंधु भवन एवं आयुर्वेद अस्पताल निपनिया में टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें मेडिकल कॉलेज एवं सिंधु भवन में 300 तथा आयुर्वेद अस्पताल निपनिया में 125 लोगों के वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। हम आपको बता दें कि ज़िले में 10,000 से अधिक लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 52 बूथों में टीका लगाया जा रहा है। यही वजह है कि जिन्हें कोरोना का टीका लगाया जा रहा है वो संक्रमित होने पर जल्द ठीक हो रहे हैं। आपको बता दें कि आज रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी के द्वारा शासकीय आयुर्वेद अस्पताल पहुंचकर टीकाकरण केंद्र की व्यवस्था देखी गई एवं जरूरी दिशा निर्देश दिए। देखा जा रहा है कि युवाओं में कोरोना टीका लगवाने के प्रति काफ़ी उत्साह है, जिससे केंद्रों में कभी कभी अव्यवस्था भी उत्पन्न हो जाती है। प्रस्तुत है आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ से प्राप्त जानकारी के अंश। सर, आज से 18 प्लस का वैक्सीनेशन आपके यहाँ भी केंद्र बनाया गया है, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और कब से कब तक चलेगा ये? मतलब जिला प्रशासन के द्वारा आज से हमारे महाविद्यालय में स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में भी 18 प्लस 45 प्लस का तो पहले चल रहा था, 18 प्लस का आज से प्रारंभ हुआ है, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। आज हमारे केंद्र का निरीक्षण कलेक्टर साहब ने भी किया, कुछ संतुष्टि उन्होंने सर जाहिर करी, तो व्यवस्था जो उन्होंने कमी बताई वो व्यवस्था हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और कल से एक दूसरे केंद्र पर मतलब वही हमारे कैंपस में दूसरे केंद्र पर उसकी व्यवस्था की जा रही है, जहाँ की आज से बेहतर व्यवस्था हम कल से प्रारंभ करेंगे। अभी सर कितने काउंटर संचालित हैं अपने? अभी तो एक ही काउंटर संचालित, कल से काउंटर बढ़ा सकते हैं। और ये व्यवस्था जिला प्रशासन की है या CMO साहब की है, तो जितने आदमी बता दें कल हम थोड़ा जगह ज़्यादा व्यवस्थित करेंगे तो उसमें हो सकता है कि दो काउंटर बन जाए। सर कितने लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं? देखा जा रहा है भीड़ भी है, तो कितना क्या मानते हैं लोगों में उत्साह है वैक्सीनेशन के प्रति? हाँ, अब धीरे धीरे लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो रही है कि इसके फायदे क्या हैं, तो इस हिसाब से 18 प्लस वालों जो बच्चे हैं हमारे जो युवा वर्ग है उनमें जागरूकता आई है और वो अधिक से अधिक संख्या में पहुँच रहे हैं। 18 प्लस के ऊपर जो पहले चल रहा था 45 प्लस में, उसमें जरूर थोड़ी शिथिलता आ गई थी, उसमें कम लोग आ रहे थे, लेकिन 18 प्लस वाले में जैसे ही स्लॉट खुलता है वैसे ही लगभग वो 10-15 मिनट के अंदर पूरा स्लॉट बुक हो जाता है, ऐसा लोग कह रहे हैं, तो अधिकतम संख्या में लोग आ रहे हैं और अच्छी चीज़ है। सर प्रतिदिन के लिए क्या अभी दिया गया है कि कितने दिन, एक दिन में कितने इंजेक्शन लगने हैं? अभी शायद आज का 125 का टारगेट दिया है सर, ऐसा मुझे पता चला है, और वो प्रतिदिन जो है जिला प्रशासन या CMO के द्वारा ये अलॉट होता है, उसमें हमारा कोई दखलंदाजी नहीं है।